माँ साहब, हम भी भाऊजी की सगाई में आपकी मदद करें? कीजिए ना सही भाई, आपकी सगाई में भी हमने ऐसी ही थालियां सजाई थी। हाँ, हमारी माँ साहब ने भी बिल्कुल ऐसी ही थालियां सजाई थी। हाँ, लेकिन आज दादा साहब को तो पता ही नहीं है सगाई के बारे में, तो उनकी तरफ से भी हम ही तैयारी करेंगे। और हमारी तरफ से 5 सुहागनी वधू और वर की आरती उतारेंगी। हाँ, और नारियल और चावल से वधू की ओटी भी भर देंगे। तो फिर ठीक है, वधू की ओर से हम एक ओजी बाबूजी की आरती उतारेंगे और वधू की गोद भी हम ही भरेंगे। ठीक है। सरदार मोहिते जी, आइए। सरदार मोहिते जी, ये बीजापुर है, यहां तरह तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, पर हम उन्हें नहीं मानते, क्योंकि आप वर्षों से हमारे साथ हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे विश्वास पात्र लोगों में से एक हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारा विश्वासघात नहीं करेंगे। महाराज साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा साहेब, बाबा साहेब इतना ही जानना चाहते हैं कि आप बाजी घोरपड़े से मिलने क्यों गए थे। ओही तेजी, घबराइए नहीं, हम जीते हैं और जीने भी देते हैं। बताइए, आप घोरपड़े के यहां क्यों गए थे? देखिए महाराज साहब, हम आपके विरोध में नहीं है, परंतु सुल्तान आदिल शाह के दरबार में शिवाजी राजे ने जो दुस्साहस किया, उसके विरोध में हैं हम। हम ये नहीं चाहते कि शिवाजी राजे के कारण हमारे अपने लोग संकट में पड़ जाएं। मोहिते जी, जिन्हें आप अपना कह रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में शिवाजी राजे बोल रहे थे। महाराज साहब, शिवाजी राजे आपके बेटे हैं, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, अन्यथा आप भी तो अच्छी तरह से जानते हैं सुल्तान आदिल शाह के विरोध में जो भी आवाज उठाएगा उसका परिणाम क्या होगा। सच कह रहे हैं आप, हमसे अधिक कौन जानता है। एक हम ही तो थे जो मुगलों और आदिलशाही अत्याचारों के विरुद्ध खड़े थे। हमें आज भी वो माहुली का युद्ध याद है, हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया था, इसलिए हम युद्ध हार गए। मुगलों ने और आदिल शाह ने मिलकर हमें हमारी जन्मभूमि से खदेड़ दिया। हमारे परिवार का बंटवारा करने में हम विवश हो गए। हमारी पत्नी जीजाऊ रानी साहब को अकेले वर्षों वनवास का जीवन व्यतीत करना पड़ा। ये कह रहे हैं आप? हमसे ज्यादा कौन जानता है।
महाराज साहब इतिहास को क्यों दोहरा रहे हैं? हम इतिहास को दोहरा नहीं रहे, इतिहास को बदल दिया है हमारे बेटे शिवाजी राजे ने। आदिलशाही दरबार में कुर्निश को इनकार करके आपको तो गर्व होना चाहिए। अगर शिवाजी राजे हमारे बेटे हैं तो आपके भांजे भी तो हैं। भांजा? महाराज साहब हमारा तो एक ही भांजा है, वो है एकोजी राजे। अगर शिवाजी राजे आपके अपने भांजे होते तो? है तो नहीं। अगर वो आपके बेटे होते तो? है तो नहीं। और दामाद? हमने फैसला कर लिया है, आपकी बेटी सोयरा का विवाह हम हमारे बेटे शिवाजी राजे के साथ करेंगे। बाबा साहेब, कहिए सरदार मोहिते जी, अगर शिवाजी राजे आपके दामाद बन जाए तो भी आप अपनों का साथ नहीं देंगे? लेकिन महाराज साहब, सुल्तान आदिलशाह तो? मोहिते जी, सुल्तान आदिलशाह की प्रतिक्रिया आप हम पर छोड़ दीजिए, उन्हें समझाने के लिए हम समर्थ हैं। और वैसे भी विवाह के बाद शिवाजी राजे यहां नहीं रहेंगे, वो पुणे चले जाएंगे। आपके साथ संबंध और गहरा करना चाहते हैं। आपकी छोटी बेटी अर्ना का विवाह हमारे छोटे बेटे एकोजी राजे के साथ करेंगे। इतना ही नहीं, पुणे के पास सुपे में जो हमारी जागीर है उसका कारोबार भी आप ही संभालेंगे। ये सोचने का वक्त नहीं है,
आपकी एक हाँ से आपके साथ साथ आपकी बेटियों का जीवन भी संवर जाएगा। उनके नाम के साथ घोंसले जुड़ जाएगा, घोंसले विरासत का वो एक हिस्सा बन जाएंगे। सोयरा पुणे में शिवाजी राजे के साथ राज करेगी। बताइए, है मंजूर? महाराज साहब, अब और हमें लज्जित ना करें, हमें स्वीकार है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो आपको, बधाई हो, 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 बधाई हो। माँ साहेब, सौभाग्यवती भव। चलिए माँ साहेब के चरण स्पर्श कीजिए। सौभाग्यवती भव। शिवाजी राजे, अपने होने वाले ससुर जी को प्रणाम कीजिए। रानी साहब, सगाई के रीति रिवाज शुरू कीजिए। सही भाई,
वधु की ओर से हम एकोजी बाबूजी की आरती उतारेंगे और वधु की गोद भी हम ही भरेंगे। सही भाई, विवाह की तैयारियों में देरी नहीं करनी चाहिए। सही जोइए नहीं, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। चुप हो जाइए। हमें नहीं, अब जाके आप सोयरा को चुप कराइए। हम कहाँ उनसे विवाह कर रहे हैं, हमने हाँ किया क्या? आपने मना भी नहीं किया। हम सबके सामने बाबा साहेब का विरोध कैसे कर सकते थे? ये विवाह तभी होगा जब हम हाँ कहेंगे।